अजीज सरपट सुंदरा और प्यारे बच्चों अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम गांधी जी इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, गांधी जी को सब लोग बापू कहते हैं। गांधी जी का रहन सहन बिल्कुल सादा था। उनका कहना था कि हम सब लोग एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है और हम एक खुदा के बंदे हैं। पर बच्चों, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सी जद्दोजहद की और तहरीक भी चलाई। उन्होंने कहा, उनका यह नारा था कि आओ अब सब मिलकर देश को आज़ाद कराए। उनका एक ही नारा था कि हम सब मिलकर हमारे मुल्क को आज़ाद कराए। उनकी जद्दोजहद और कोशिशों के सबब आज हमारा मुल्क आज़ाद है और हम आज़ाद हैं। आज़ादी की वजह से ही 15 अगस्त को हम यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं और 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। और हमारा मुल्क आज़ाद होने के सबब हमारे मुल्क में हर मजहब का इंसान अपना त्यौहार आसानी से मना सकता है। जैसे हिंदू लोग दिवाली का त्यौहार आसानी से मना सकते हैं, उसी तरह मुस्लिम लोग ईद का त्यौहार आसानी से मना सकते हैं, क्योंकि हम सब आज़ाद है और हमारा मुल्क आज़ाद है।